गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बीएचयू 2020 का पेपर जो है क्वांट सेक्शन का जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो जिन लोगों ने अभी तक जो है बीएचयू 2020 एमबीए के क्वांट के क्वेश्चंस को नहीं देखे वो जाकर के देख लें। आज जो है हम लोग 2019 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो 2019 में जो क्वांट में पूछे गए क्वेश्चन उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पे और इस क्वेश्चन को हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग करीब 15 या 16 क्वेश्चन लेंगे और सेकंड पार्ट में भी हम लोग जो है 15 से 16 क्वेश्चंस लेंगे। टोटल जो है 32 के आसपास हमारे पास क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आते हैं और उसका सोल्यूशन किस तरीके से करना चाहिए। तो आप लोग दोनों पार्ट को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, तो इससे जो है आपको एक नया आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। हम देखिएगा पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ अ नंबर ऑफ गर्ल इन अ स्कूल इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज और टोटल जो है 1420 जो लोग हैं स्टूडेंट्स हैं आपको बताना है कि उसमें बॉयज कितने हैं। आप ये देख रहे हैं कि गर्ल्स और बॉयज तो 3/4 कह रहा है कि 3/4 ऑफ द गर्ल्स ये इक्वल है वो हाफ ऑफ बॉयज के। तो यहां से अगर मैं गर्ल्स और बॉयज का रेशियो पूछूंगा तो जरा बताइए कितना होना चाहिए। यहां से देखिए अगर निकालेंगे तो ये देखिए 2 2 4 हो जाएगा, यहां से 2 उधर जाएगा यानी 3 गर्ल्स हो जाएगी 2 बॉयज के इक्वल हो जाएगा। यानी गर्ल्स और बॉयज का जब रेशियो निकालेंगे यहाँ से तो आपका आ जाएगा 2:3। क्या जाएगा? 2:3। अगर कोई नहीं समझ पा रहा तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। देखिएगा कि यहाँ से क्या करेंगे आप, 3/4 ऑफ गर्ल यहाँ पे है और हाफ बॉयज। जब गर्ल्स और इसको बॉयज को इधर लाएंगे तो 1/2 रहेगा। 3 बाय यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर डिवाइड कर देगा, ये 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 हो जाएगा, ऊपर 2 आएगा नीचे 3 आएगा, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो आएगा वो 2:3 आएगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2+3 यानी टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 1420। यहाँ से अगर मैं रेशियो में जरा देखता हूँ तो टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 2 3 करेंगे ऐड करेंगे तो 5 यूनिट आ रहा है और 5 यूनिट की जो वैल्यू है यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 1420 है। यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 2 का कितना है देखिए 2284 आएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा 1420 को 5 से तो आपका आ जाएगा 5 2 10, 4 5 8 40 और 5 4 20 आ जाएगा, 284 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा है कि बॉयज कितने हैं, बॉयज रख दे कितने हैं, 3 यूनिट है, कितने हैं 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 3 × 284 करेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा 3 4 20 12 हो जाएगा और 3 8 24 ये 5 हो जाएगा और 8 5 2 यानी हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। कहने का मतलब ये था, इसमें कुछ था नहीं, गर्ल्स और बॉयज का आपको रेशियो निकालना था, आपका 2:3 आ गया, दोनों का सम दे रखा है यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी 1420। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो 284 आ जाएगा। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 3 को 284 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 852 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, रेशियो के बेस था। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा आप, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि जरा बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जहां तक बात की जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c होता है। यानी कि अगर किसी भी इक्वेशन में एक्स की जो मैक्सिमम पावर है कितनी होनी चाहिए, 2 है, अगर दिखाई देती है तो ये समझ लीजिएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक्स की मैक्सिमम पावर 2 किसी भी चीज में दिखाई देती है इक्वेशन में तो वो समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हुआ। जैसे यहाँ पे जरा देखिए, अगर मैं इसको a + b का सिर्फ आपको फोकस जो करना है x² को फोकस करना है, जैसे x+2 का होल स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल्स टू 2x + 3
आप ये बताइए, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा एक्स प्लस टू को होल स्क्वायर को, तो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मैं पूरा पूरा ब्रेक नहीं करने जाऊंगा, मैं इतना ही लिखूंगा, मैं ये जानता हूँ कि जब मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस फोर आएगा और प्लस फोर एक्स आएगा इक्वल्स टू, देखिए इधर आपका क्या एक्स स्क्वायर का टर्म्स नहीं है, सिर्फ एक्स प्लस थ्री और बाहर दो लिखा है, यानी दो से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर ये टू एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसलिए ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स आपका लेफ्ट साइड है, राइट साइड जब आप करेंगे, देखिए मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा, मैं ओवरऑल बताना चाहता हूँ आपको, जब आप इसको ओपन, जब आप इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ना, जब इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर देन सेकेंड टर्म का स्क्वायर, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, नाइन एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इधर नाइन एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर जो है रहेगा, नाइन एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा। लेकिन थर्ड टर्म में देखिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड टर्म में क्या हो रहा है, जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करिए तो आप ये देख रहे हैं कि क्या जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर और एक्स का माइनस में करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस टू इंटू एक्स करेंगे प्लस टू एक्स आ जाएगा, और प्लस टू इंटू माइनस करेंगे माइनस टू आ जाएगा, और राइट साइड जो आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, यानी ये यहाँ पे जो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है वो टू नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन हो जा रहा है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्योंकि ये वाला जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है एक्स की पावर टू नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक कभी भी फाइंड आउट करना होगा तो आप ये देख लीजिएगा क्या उस इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर टू है कि नहीं, तुम्हारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज नाइन, दो डिजिट का कोई नंबर है उनके डिजिट का जो सम है वो नाइन है। कह रहा है अगर उसमें 27 ऐड कर दिया जाए तो कह रहा है कि जो नंबर है वो रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, नंबर जो आपका रिवर्स हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को 5 सेकंड में आपको करना है और ऑप्शन के थ्रू करना है, क्या करना है, ऑप्शन के थ्रू करना है। जैसे आपका पहला, आप कह रहा है कि डिजिट का सम 9 होना चाहिए, तो पहले ऑप्शन में क्या डिजिट का सम 9 हो रहा है, 2 + 5 = 7 हो रहा है, ये तो ऑप्शन चला गया। देखिए इसमें भी डिजिट का सम 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, लेकिन अब अगली कंडीशन क्या कह रही है कि अगर इसमें हम 27 ऐड कर दें, इसमें 27 ऐड कर दें, अब हम तीनों में चेक करेंगे तो क्या, बताइए अगर मैं 27 इसमें ऐड करूंगा तो क्या ये 72 रिवर्स होकर के 27 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 72 में 27 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 99। तो 27, क्योंकि 27 ऐड करने के बाद ये पलट जाना चाहिए, ये यहाँ पे तो रिवर्स नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन चला गया। 63 में क्या 27 ऐड करने के बाद 36 आएगा, इसका रिवर्स क्या होगा, 36 कभी नहीं आएगा, ये भी चला गया। अब क्या, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 36 है, 27 जब ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, जो कि इसका क्या है, रिवर्स है। देखिए 36 का जब रिवर्स क्या होता है, 63 होता है। तो कहने का मतलब है आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। तो सबसे इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों का जो डिजिट का सम 9 होना चाहिए, तो हमारे पास तीन ऑप्शन आए, लेकिन जब हम 27 ऐड करके चेक किए तीनों ऑप्शन में से, तो सिर्फ डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन था जिसके अंदर 27 ऐड करने के बाद वो नंबर रिवर्स हो जा रहा था, उसके डिजिट पलट जा रहे थे, यानी 36 ऐसा 36 जो पलट करके क्या हो गया, 63 हो गया, हमारी कंडीशन का सेटिस्फाइड हो गई, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात समझ में, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप ऑप्शन से किया करिए, तो बहुत ही आसान होते हैं और आसानी से लग जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि सचिन जो है वो राहुल से 7 इयर्स क्या है, छोटा है, और उनकी एज का जो रेशियो है 7:9 है, तो आपको बताना है कि सचिन की एज क्या होगी। मैंने आपसे रेशियो में पढ़ा रखा है, ये आपके सचिन है, ये आपका राहुल है, इनके एज का जो रेशियो दे रखा है 7:9, और सचिन की एज पूछ रहा है, तो सचिन की जो एज होगी वो 7 की मल्टीपल में होगी। पहली बार क्या होगी, 7 के मल्टीपल में होगी,
देखिए ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप पेन फ्री करिए पहली बार, क्योंकि बहुत ही आसान होता है, क्योंकि 7 रेशियो में है तो जो भी आंसर होगा वो 7 उसके अंदर जरूर होगा, क्योंकि 7 के मल्टीपल में ही उसकी एज होगी। तो इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन 7 से डिवाइड हो जाएगा वही सचिन की एज होगी। तो पहला देख रहे हैं 7 3 है, ये नहीं 7 से डिवाइड हो रहा है, ये हो जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो ये पेन फ्री हो जाएगा। सिर्फ आपको 7 का मल्टीपल चेक करना था, क्या करना था, 7 का मल्टीपल। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर कोई कहे नहीं सर लगा के दिखाएंगे, तो लगा भी सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि सचिन और राहुल के एज के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 ईयर्स। तो अगर मैं रेशियो में जरा देखूं कितने का गैप आ रहा है, 7 और 9 का, 2 यूनिट का गैप आ रहा है। 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 7 है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे 3.5 आ जाएगा, और 7 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 3.5 करेंगे 24.5 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को भी मैंने रेशियो में इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। ये बिल्कुल पेन फ्री होता है, इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं होती, आंसर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपको A:B दे रखा है, B:C दे रखा है, और ABC पूछा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर AB 2:3 है तो यहाँ पर भी AB का जो रेशियो होगा 2:3 होगा। अगर BC 4:3 है तो आंसर में भी B और C का रेशियो कितना होगा, 4:3 होगा। अब आ जाते हैं हम ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में देख रहा हूँ कि AB देखिए यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 2√3, यहाँ पे 2√3 है। अब हम जाते हैं B:C को चेक करने। तो क्या डी वाले ऑप्शन में B:C जो है यानी 3:12 का रेशियो क्या 4:3 है, क्या बी और सी का रेशियो 4:3 है, नहीं है। क्या यहाँ पे इस और इसका रेशियो 2:3 है, 4:3 है, नहीं है। क्या यहाँ पे नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 12 और 9 का जो हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 4 3 3 यानी 4:3 होगा। तो इसलिए और यहाँ पे देखिए ए और बी का रेशियो कितना होगा, 2:3 होगा। तो ए और बी का रेशियो 2:3, बी और सी का रेशियो 4:3, इसलिए ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लिया करिए कि ऑप्शन में भी क्या ए और बी का रेशियो 2:3 है, क्या ऑप्शन ए में बी और सी का रेशियो 4:3 है। अगर है तो आपका वही आंसर हो जाएगा, और दो ऑप्शन कभी मैच नहीं करेंगे। अगर ऐसा कहीं दो ऑप्शन आता है तो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है कि ABC की जो सैलरी है उनका रेशियो दे रखा है, ए और बी तीन चीज उनकी सैलरी का रेशियो दे रखा है 2:3:5। कह रहा है कि दोनों सबकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाता है, ए की 15%, बी की 10% और सी की 20% हो जाता है, तो बताइए न्यू रेशियो क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि इनकी सैलरी कितनी है, मान लेते हैं इसकी सैलरी 200 है, इसकी मान लेते हैं 300 है, इसकी मान लेते हैं 500 है। अभी रेशियो निकालेंगे तो फिर देखिए 2:3:5 का ही आएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब क्या कर रहा है, इसकी सैलरी में 15% का इंक्रीमेंट है, इसकी सैलरी में आपका 10% का इंक्रीमेंट है, इसकी सैलरी में आपका 20% का इंक्रीमेंट है। तो 15% 200 है कितना होगा, परसेंट से 2 साइन जाएगा, 15 × 2 = ₹30। 200 का 15% कितना होता है, 30 रुपीस। तो उतना जब बढ़ जाएगी कितनी हो जाएगी सैलरी, इसकी 230 हो जाएगी। इसी तरीके से इसकी कितनी, 10% निकालेंगे 30 आएगा, तो 330 हो जाएगी सैलरी इसकी। इसी तरीके से जब इसकी आप 20% इंक्रीज किए हैं तो 20% ₹100 हो जाएगा, 500 का उतनी बढ़ाएंगे तो आपकी 600 आ जाएगी। रेशियो निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रेशियो आपका आ जाएगा, 23, 33 और 60, यानी डी ऑप्शन आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि 3, ये आपको देखिए आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, आपको बताना है इसको सिंप्लीफाई। देखिए इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है सिंप्लीफिकेशन में, वी बॉड मास एक रूल होता है, पहले आप बार को हटाते हैं, फिर ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर ऑफ को, फिर आप देखिए डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको बताया था पहले स्मॉल तब करली होता, उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन आप क्या किया करिए कि पीछे सॉल्व किया, इसे यहाँ पे देखिएगा कि 9 पहले बार को हटाएंगे तो 9 − 2 के ऊपर बार लगा हुआ, तो 9 − 2 कितना होता है, 7 7 हो गया। 3 में से 7 निकालेंगे कितना जाएगा, -4,
थ्री माइनस, देखिए ये कितना हो जाएगा सेवन, नाइन माइनस टू सेवन, थ्री माइनस सेवन कितना हो जाएगा माइनस फोर, और माइनस फोर और माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस फोर। इधर देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस फोर, इधर भी हो जाएगा, इधर रुक जाइएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस फोर, ये भी हो जाएगा। इसको देखिएगा इधर देखिए इलेवन इलेवन क्या होता है वन ट्वेंटी वन, वन ट्वेंटी वन इधर भी है, वन ट्वेंटी वन इधर भी है, बीच में डिवाइड का साइन है। तो पहले डिवाइड करिए, पहले क्या डिवाइड कर लीजिए ब्रैकेट के अंदर, पहले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट जब ओपन करूंगा मैं तो 121 डिवाइडेड बाय 121 करूंगा तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने पे देखिए इसको पूरा सॉल्व किया मैंने तो 4 आ गया, इधर सॉल्व किया तो 4 आ गया, और यहां तक देखिए ये कितना हो गया प्लस 1 हो गया, बड़ा ब्रैकेट आपका जो है स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ बाहर, यहाँ लिखा हुआ है 118 माइनस हुआ है। तो आप ये बताइए 448 और एक 9 कितना हो जाएगा 9, इधर आपका 118 है, तो 118 में से जब 9 निकालेंगे तो 109 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बॉड मास पे रूल पे है ये, पहले बार हटाते हैं उसके बाद जो है एक रूल होता है उसको आप जानते हैं, आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 109 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 10-15 सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछ रहा है, अभी मैंने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं आप देख रहे हैं उसमें किसी भी क्वेश्चंस में 10-15 से 20 सेकंड नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ उसे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप ये समझिए कि कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो इसी के मैं बता देना चाहता हूँ, आप जो लोग अभी MBA का फॉर्म भरने जा रहे हैं 2021 का जो फॉर्म जिन्होंने डाल रखा है BHU का, तो उनके लिए देखिए हम लोगों ने अभी जो है नई एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कल परसों से, उसके अंदर हम लोग पूरी अर्थमेटिक को विद इन 10 डेज जो है 12 डेज के अंदर पूरी अर्थमेटिक को रिवाइज करेंगे। उसमें आपको सारे देखिए 30-30 क्वेश्चन के आसपास हर एक जो है वीडियो में आपको जो है हर एक लेक्चर में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि जिस जो MPA का लेवल देखा गया है उसी के हिसाब से क्वेश्चन उसके अंदर रहेंगे। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना चाहते हो वो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है देखिये, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, इसमें बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। MU 2020 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी नंबर को 10% इंक्रीज कर दिया जाए और फिर क्या कर दिया जाए 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो आपको बताना नेट डिक्रीज परसेंटेज क्या होगा। पहली बात नेट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कितना परसेंट होगा इसके लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्या करिए जो परसेंट दे रखा है, यहाँ भी सेम अगर दिखाई दे रहा है, सेम पर नंबर अगर दिखाई दे रहा है परसेंटेज और एक इंक्रीज कर रहा है फिर उतना ही डिक्रीज कर रहा है तो कुछ मत किया करिए, उसका स्क्वायर किया करिए, वो 100 से डिवाइड कर दिया करिए, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे 100, वो 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी 1% डिक्रीज आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे 10 के बजाय 12% दे दे, तो 12% इंक्रीज कर रहा है और 12% जो है डिक्रीज कर रहा है तो ओवरऑल क्या चेंज आएगा, फिर कुछ नहीं करना है, 12 का स्क्वायर करना है, 100 से डिवाइड करना है, 12 का स्क्वायर 144 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 1.44% आपका डिक्रीज हो जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.44%। तो कोई भी नंबर अगर यहाँ पे देगा, अगर सेम नंबर है इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो डायरेक्ट आप उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी चीज मैं और बताना चाहता हूँ, अगर डिफरेंट दे देता है 10% माने कोई 12 दे दिया कुछ और दे देगा तो आपको एक फॉर्मूला है x plus y by 100, इसको मेरी क्लास मैंने करवाया है आप जाके देख सकते हैं तो वहां पे डिटेल में मिल जाएगा, तो इससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन जब भी सेम परसेंटेज देगा इंक्रीज डिक्रीज का तो उसको स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 9 क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि 2.5 किलोमीटर की स्पीड से जब अपने स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है, जब वो लेट हो जाता है तो जाहिर सी बात अपनी स्पीड बढ़ाएगा, उसने अपनी स्पीड 2.5 के बजाय 3 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो ऐसा करने से वो 10 मिनट स्कूल पहले ही पहुंच गया। तो आपको बताना है कि उसके घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, ये आपको फाइंड आउट करना है, उसके घर से उसकी स्कूल की डिस्टेंस कितनी है ये आपको बताना है।
देखिएगा ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हम एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। मैं आपको एक चीज बताइए हमको, आप लोग सभी लोग, मैं कह दूं कि अगर आपको सपोज दैट कि 10 बजे स्कूल पहुंचना है, कितने बजे पहुंचना है, 10 बजे मान लो पहुंचना है, आप क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि 6 मिनट लेट हो गए। 6 मिनट लेट होने का मतलब क्या होता है? 6 मिनट लेट होने का मतलब ये होता है कि आप कितने बजे पहुंच रहे हैं, आप 10 बज करके 6 मिनट पे पहुंच रहे हैं। कितने बजे पहुंच रहे हैं? 10 बज करके 6 मिनट पे पहुंच रहे हैं। 6 मिनट लेट, 10 बजे पहुंचना था, आप 10 10 के 6 मिनट पे पहुंच रहे हैं। 10 मिनट अगर आप पहले पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप 9 बज करके 50 मिनट पे, यानी 9:50 पे पहुंच रहे हैं, तो 10 मिनट पहले का मतलब हुआ। तो ये बताइए जो इस वाले टाइम और इस वाले टाइम दोनों में का टाइम का गैप कितने का है? 10 बजे पहुंचना था, जब आप स्पीड बढ़ा के चले तो 9:50 पे पहुंच गए। जब आप शुरू चल रहे थे यानी 2.5 से चल रहे थे तो आपको 10 कितने 10 बज करके 6 मिनट पर पहुंच रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना है। तो आप यहां देख रहे हैं कितना का गैप हो जा रहा है, 10 ये और 6 ये कितना हो जाएगा, 16 मिनट का गैप हो जा रहा है। कितने मिनट का? 16 मिनट का गैप हो जा रहा है यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। बस क्वेश्चन में ध्यान देखिए, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम में जो रेशियो होता है वो एक दूसरे का रिवर्स होता है। और डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि घर से स्कूल की जो डिस्टेंस वो कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम जो है दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहाँ पे स्पीड कितनी पहले बताइए, 2.2 मतलब होता है 5/2 थी, 5/2 से स्पीड कितनी हो जा रही है, 3 हो जा रही है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, स्पीड को 2 उधर कर दीजिए तो 5 से 6 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 2 उधर जाएगा 6 हो जाएगा, तो 5 से 6 हो जा रही है स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 6 से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी बस 6 से 5 हो जाएगा। अच्छा बताइए, यानी कि पहले टाइम 6 मिनट लगता था, बाद में 5 मिनट लग रहा है, तो दोनों के बीच जो टाइम का गैप आ रहा है कितना आ रहा, 1 मिनट। ओवर 1 मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, जो टाइम का गैप है जरा बताइए कितने का है, 16 मिनट का। यानी 1 मिनट की वैल्यू आपकी है 16 मिनट। इन दोनों के बीच टाइम का गैप 1 यूनिट और टाइम का गैप है कितना, 16 मिनट। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 16 मिनट है, तो जरा बताइए किसी की भी निकालिए। तो अगर पहले पूछू कितना टाइम लगता था, बताएंगे कि 6 मिनट लगता था, तो 6 मिनट की वैल्यू आपके 96 मिनट हो जाएगी। इसी तरीके से मैं पूछूं कि बाद में कितना टाइम लग रहा है, तो बाद की वैल्यू है 5 यूनिट यानी 80 मिनट लगेगा। क्या लगेगा? 80 मिनट लगेगा। देखिए कई चीज फाइंड आउट हम लोग कर लिए कि पहले 96 मिनट लगता था, बाद में 80 मिनट लगता था। अब इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके आप जो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस होती क्या जरा बताइए, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो जरा बताइए अगर मैं पहले की बात करूँ, जो उनकी पहले स्पीड थी कितने, पहले की स्पीड कितनी थी उनकी, 2.5 थी, बाद में कितनी थी, 3। तो अगर मैं दूसरे से सॉल्व करूँ, मान लें दूसरे से अगर सॉल्व करता हूँ, जब उनकी स्पीड 3 किलोमीटर/आवर वाली थी, तो उस स्पीड से जब वो जा रहे हैं तो उनको टाइम कितना लग रहा है, 80 मिनट का लग रहा है। तो डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, तो 3 किलोमीटर/आवर की स्पीड है, ठीक है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, टाइम लग रहा है 80 मिनट। 80 मिनट को लिख सकते हैं, 80 मिनट मतलब क्या, 80 मिनट मतलब अगर मैं इसको मैं आवर में चेंज करूँ तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा, 2 4 8 यानी 4 किलोमीटर। क्या हो जाएगी? 4 किलोमीटर। बेहद आसान क्वेश्चन है, दिखने में देखिए बिल्कुल ये पेन फ्री हो सकता है आसानी से। देखिए स्पीड का रेशियो 5:6, टाइम का रेशियो 6:5, टाइम का गैप देखिए 6 मिनट, देखिए ओवर लग जाता है सब, 6 मिनट लेट है, 10 मिनट बिफोर है, पहले है, टाइम का गैप हो जाएगा 16 मिनट। यहाँ से डिफरेंस देखिए टाइम का कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 16 मिनट, 5 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट। डिस्टेंस क्या होगी? स्पीड इनटू टाइम, 3 × 80 मिनट माने 80 मिनट माने क्या, 60 से डिवाइड कर दीजिए, 3 × 80/60 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि दो ट्रेन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है कि दो ट्रेन है कि 150 मीटर की लेंथ है और दूसरी की जो लेंथ है 180 मीटर है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, इनकी स्पीड दे रखी है 30 और 24, तो आपको बताना है कि कितने एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। देखिए ये रिलेटिव स्पीड जब आप पढ़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये,
जब दो चीजें एक दूसरे की तरफ, ये 30 मान लेते हैं इसकी स्पीड है, इसकी 24, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में वो ऐड हो जाएगी, 54 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। इसको जब मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्या जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये 15 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर जो होता है 15 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगा, टाइम मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड हो जाएगी। स्पीड आपको पता है, टाइम जरा बताइए, लेंथ इनकी कितनी है, पहले वाले की 150 है, दूसरे वाले की 180 है, तो आपको निकालना क्या, कितना टाइम में क्रॉस करेगी, तो टोटल पहले डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो 150 प्लस 180, क्योंकि ट्रेन जब क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ चलेगी साथ साथ उसकी भी लेंथ पार करेगी, दोनों को मिला करके डिस्टेंस कवर करेगी। और ट्रेन की जो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई है, 15, ऊपर आ जाएगा 330, नीचे 15 डिवाइड करेंगे 22 सेकेंड आ जाएगा, कितना जाएगा 22। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, कुछ करना नहीं होता है। रिलेटिव स्पीड अगर अपोजिट है तो ऐड कर लीजिए, हमने क्या किया उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, 15 मीटर पर सेकंड आ गया। हमारे पास क्या डिस्टेंस क्या है, जब दो ट्रेन दूसरे को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ तो करती करती साथ उसकी लेंथ तो करती करती है क्रॉस, अपनी भी लेंथ की दूरी उतना कवर करती है, तो कुल जो डिस्टेंस वो कवर करती है 150 प्लस 180 ऐड करेंगे 330 आ जाएगा, और उसको जो आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा, क्योंकि तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 22 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर देखिए, आ गया 11 आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इसको अगर आप पढ़िए पहले क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि कोई भी मान ली सपोज दैट कोई कस्टमर है, वो बैंक में पैसा जमा करता है तो उसको 5% का इंटरेस्ट मिलता है, उसको क्या मिलता है 5% का एक साल में इंटरेस्ट मिलता है। अगले साल बैंक ने क्या किया है कि अपना क्या किया है, ये जो रेट परसेंट है उसको इंक्रीज कर दिया है, 6% कर दिया है, रेट को क्या किया है 6% कर दिया है। जब 6% कर दिया तो उस पर्सन ने क्या किया कि जितना पहले पैसा डिपॉजिट करता था उससे 1,000 रुपीज ज्यादा डिपॉजिट कर दिया है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि उसको जो है जो नेक्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 110 रुपीज ज्यादा मिल रहा है पहले वाले के कंपेरिजन में। बात समझ में आई? कहने का मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल लीजिए, कोई पैसा आपने जमा बैंक में जमा किया तो आपको 5% का जो इंटरेस्ट मिल रहा था, अगले साल बैंक ने कहा भाई नहीं हम 6% का इंटरेस्ट देंगे, आपके अंदर क्या आएगा भाई ज्यादा ब्याज मिल रहा है, 6% मिल रहा है, तो आपने क्या किया कि उस पर्सन ने 1,000 रुपये और जमा कर दिया, जितना पहले पहले साल जमा करता था उससे 1,000 ज्यादा जमा कर दिया। तो अब ऐसा करने से उसको जो इंटरेस्ट मिला है 110 रुपीज ज्यादा मिला है पहले के कंपेरिजन में, तो आपको बताना ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो ऑप्शन से कर लेंगे तो ये तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन से करिए। जैसे देखिए अगर मैं कहूँ कि 4,000, मान लेते हैं कि 4,000 उसका आपका जो ओरिजिनल है डिपॉजिट करता था पहले, तो जरा बताइए 4,000 जमा करता था तो 5% का अगर उसको इंटरेस्ट मिल रहा, जरा बताइए कितने रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 4,000 में मान लेता हूँ तो अगर 5% का इंटरेस्ट मिल रहा कितना मिलेगा, 200 रुपए। इसी तरीके से अगले साल क्या करेगा, तो अगले साल उसने क्या किया 1,000 ज्यादा जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, यानी 5,000 जमा किया, और उस पर उसको 6% मिल रहा है, यानी 6% निकालेंगे कितना आएगा इसका, आप निकालेंगे देखिए परसेंट से 2 साइन 2 0 चला जाता है, और 50 × 6 करेंगे 300 आएगा। तो जाइए कि पहले और बाद में जो इंटरेस्ट मिल रहा है कितने का गैप आ रहा है, 100 रुपये ज्यादा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहा कि 110 ज्यादा मिलना चाहिए, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ये सब ओरल होता है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। इसे 5,000 मान लेता हूँ कि 5,000 जमा कर रहा था, तो 5,000 अगर वो जमा किया है तो 5% का रेट मिला है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए 250, परसेंट से 2 0 गया, 50 × 5 करेंगे 250 रुपीज इसको इंटरेस्ट मिला। अगले साल जब जब रेट बढ़ा दिया तो उसने पैसा भी तो ज्यादा जमा किया है, यानी 6,000 ज्यादा जमा कर दिया, 6,000 जमा कर दिया, तो 6,000 पे इसको 6% मिलेगा, यानी 360 रुपये मिलेगा, और दोनों का देखिए पहले वाले और दूसरे वाले में ब्याज जो डिफरेंस है इंटरेस्ट का 110 है, यही क्वेश्चन में भी दे रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लेंगे, ऑप्शन से इस तरह से हम चेक कर लेंगे, अगर कोई लगाना चाहता तो सॉल्व भी कर सकता है। ये बताइए एक साल में जो एस आई सी आई तो इक्वल होता है, टाइम इक्वल है ही है, तो जो रेट परसेंट है वो आर और पी के मल्टीपल पे डिपेंड करेगा, तो जो बाद में बताइए पहले कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है आर परसेंट ऑफ पी, बाद में क्या हो रहा है कि पी तो पी में 1,000 ऐड हो जा रहा है
उस पर 6% मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा था 5%। और इन दोनों के अगर बीच में डिफरेंस भी दे रखा है, आपका दे रखा है, दोनों बीच का डिफरेंस दे रखा है 110। सॉल्व भी कर सकते, देखिए माइनस कर दीजिए इस वाले में से, इसको निकालिए तो 600, देखिए 6% ऑफ पी में से जब 5% ऑफ पी निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 3% आ जाएगा। और इधर आपका आ जाएगा 6% ऑफ और 1000 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, निकाल लीजिएगा परसेंट का 2 साइन निकल जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। और ये आपका इक्वल है 110 के, तो P परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 50, तो P की वैल्यू आ जाएगी 5000। तो यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं आप डायरेक्टली P इज इक्वल टू 5000। P परसेंट का मतलब होता है देखिए P बाई 100, ये है 50, तो P निकल नहीं जाएगा, 1000 क्या करें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5000 आ जाएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कह रहा है कि 35 लीटर आपका मिक्सचर है, रेशियो में है मिल्क और वन, तो टोटल मिक्सचर आपका 35 लीटर है, मिल्क आपका 4 है, वाटर आपका 1 है, 7 लीटर आप वाटर उसमें और ऐड कर देते हैं, तो आपको बताना है कि न्यू रेशियो क्या होगा। ये क्वेश्चन पेन फ्री होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। देखिए 4, देखिए टोटल आपका कितना है 35, यहाँ से रेशियो में देखिए 4:1 है, तो टोटल यहाँ पे कितना यूनिट बन रहा है, 4+1 ऐड करिए 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 35, यहाँ से 1 यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे 7, 5 यूनिट की वैल्यू देखिए 4+1 की वैल्यू 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 7 तो जरा कहिए मिल्क कितना है 4 यूनिट, तो मिल्क हो जाएगा आपका 28 लीटर हो जाएगा, और 7 लीटर मिल्क हो गया, 35 लीटर मिक्सचर है, तो 7 लीटर आपका वाटर आ गया। कह रहा है कि 7 लीटर वाटर और मिला दिया जाए तो रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए मिल्क तो 28:28 ही रहेगा, 7 लीटर वाटर था उसमें 7 लीटर वाटर और मिला दिया हो गया 14 लीटर, तो अब बताना रेशियो क्या होगा, 14:1 = 42, यानी 2:1 का रेशियो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्या कह रहा है कि इस आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट नंबर ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वेश्चन मे बी इक्वल टू दिस, मतलब कि इनमें से किस नंबर को इससे डिवाइड किया जाए कि जो आपका क्वेश्चन है ये आना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है डिवाइड करना है ना इसको इससे, तो किस बात समझाई कह रहा है इसको इनमें से किस नंबर से डिवाइड किया जाए जिससे कि आपका जो क्वेश्चन ये आ जाए। तो सबसे पहले हमको ये बताइए डिवाइड इसको करना है, इन चारों में से किसी से करना है तो बताइए कि आना चाहिए। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन पढ़ रखा होगा तो आप ये जानते हैं कि -3/2 यहाँ पे लिखा है पावर -3, जब इस पावर को आप पॉजिटिव करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -2/3, 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा क्यूब। तो यहाँ से मैंने पहले इसको पॉजिटिव पावर कर लिया तो ये लिख दिया, ये आप ये और ये आपस में इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है ये हो गया। अच्छा आंसर क्या लाना है आपको है 4/ जो क्वेश्चन आना चाहिए 4.27 का पावर -2, इसको भी मैं पॉजिटिव पावर करिए तो ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको +2 करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 27/4 और ये तो हो जाएगा स्क्वायर, यानी आपको ये लाना है, ठीक है ये नंबर आपको दिया हो, अब इसको डिवाइड करना है, तो जरा बताइए कि ये आना चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन देख लीजिए, अब इसको डिवाइड करना है ना तो डिवाइड करिए। देखिए एक बात यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जिसको डिवाइड करना वो नेगेटिव है और क्वेश्चन आना चाहिए पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो भी नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी जब जिससे डिवाइड करेंगे तो वो भी नेगेटिव होगा, तभी नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा तो पॉजिटिव बनेगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया पहले ही। तो कहने का मतलब मान लेते हैं कि भाई नंबर n है तो डिवाइड कर लीजिए, तो आप माइनस भूल जाए, देखिए माइनस तो आंसर में आएगा ही आएगा, तो माइनस पहली बात हटाइए, माइनस हटा दीजिए, फिर 2/3 फोकस करिए, 2/3 के क्यूब को डिवाइड किया हमने n नंबर से और आंसर हमारा आ रहा है 27/4 का स्क्वायर। यहां से n निकाल नहीं ले जाएंगे आप, निकाल लीजिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जरा बताइए कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा
27, यहाँ पे डिवाइड करना n, इधर आ जाएगा 729 अपॉन 16। अब देखिए ये n में है ना, डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नहीं समझना, पूरा डिटेल में करा देता हूँ मैं। 8 अपॉन 27, नीचे n है, इधर आपका 729 अपॉन 16 है। अब आप आराम से n निकाल ले जाएंगे, n क्या हो जाएगा 16 × 8 अपॉन 729 × 27। इतना लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 16 × 8 जहाँ दिख रहा 128 ही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं कि बैठ के मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए, 128 देखते ही आपका आंसर हो जाएगा। या डिनोमिनेटर में आप इतना खाली चेक कर लेते, इस 9 7 63, तो ये तो दोनों होता ही नहीं, यहाँ पे क्या लास्ट डिजिट 3 है, नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करते हैं, यहाँ पे 9 था ना, तो 9 7 63। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसको आप समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन 17 देखिएगा, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स 2 100 के बीच जो आपको जितने भी इंटीजर है बताना, ऑड इंटीजर जो कि 3 से डिवाइड होंगे उनका सम बताना है। ये बताइए कि 100 के 100 के पहले 3 से डिवाइड होने वाला जो इंटीजर है वो 99 है लास्ट वाला। अब मान लेते अच्छा पहला क्या होगा, 3 1 3, देखिए 3 1 3, लेकिन 3 2 6 नहीं लेंगे, क्योंकि 6 जो है 3 का ऑड इंटीजर नहीं है, तो कौन सा लेंगे हम, 3 3 9, क्या लेंगे 3 3 9। इसी तरीके से हम लेंगे तीसरा वाला, जब लेंगे 4 नहीं लेंगे 5 लेंगे, यानी 3 5 15। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला 3 आएगा, दूसरा 9 आएगा, इस तरीके से 15 ऐसे चलते चले जाएंगे, लास्ट में आएगा 99। तो आपने अगर एपी पर रखी है तो एपी से जरा बताइए कि कुल कितने टर्म्स होंगे, तो एनवा जो टर्म्स होता है यहाँ पे 99 दे रखा है, इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म आपका 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी माने इनके बीच का गैप कितना आपका 6 आ रहा है, यहाँ इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, 3 + 6 n - 6 हो जाएगा, इधर आपका 99 है। देखिए अब लिखना अपना ही ज्यादा है, 90 देखिए 3 - 6 - 3 हो जाएगा, और इधर आके ऐड हो जाएगा 102 हो जाएगा, और इधर आपका 6n है तो 6n की वैल्यू 102 आ जाएगी, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 17। 17 आपका नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। सम निकालना, क्या निकालना, सम, सम क्या होता है, एन अपॉन 2, यानी 17 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म यानी 3 और प्लस लास्ट टर्म यानी 99, ये कर देंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 17 2 / 2। ये देख रहे हैं जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा, पहली बात तो 17 का मल्टीपल होगा, इधर देखिए 102 हो जा रहा है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 51 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट डिजिट चेक कर लीजिए आप, अब आप मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको डिवाइड किया हमने 1, देखिए 7 यहाँ आ रहा है, 1 यहाँ आ रहा है, तो 7 1 7 7 का जिसका लास्ट डिजिट होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 7 3 / 2 करके 102 आएगा, 2 को डिवाइड कर 51, तो 51 को 17 से मल्टीप्लाई करना तो ऐसे ही ओरल लग जाएगा, 50 में करेंगे 800 आ जाएगा, और 17 1 7 तो सॉल्व कर लेंगे हमारा आ जाएगा, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ से निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। इसी के तरीके से क्वेश्चन नंबर देखिएगा, ये वाला है क्वेश्चन, और देख लीजिए 12 वाला, मैंने इसको सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से कराया है, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, 12 जो लगा हुआ 63 के ऊपर लगा हुआ, 1 को छोड़कर लगा हुआ है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं करना है आपको, आपको क्या करना है, टोटल में से उस नंबर को माइनस करिए जिसके ऊपर 12 नहीं लगा हुआ, तो 1 हो जाएगा, अपॉन जितने नंबर के ऊपर 12 लगा हुआ उतनी बार 9, और जिसके ऊपर नहीं लगा उसके ऊपर 0 लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 162 अपॉन 990, इसको मैं कैंसिल करूंगा 18 से करूंगा, तो 89 का हो जाएगा, ये 18 5 का 18 5 का हो जाएगा, 9 अपॉन 55 आपका आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो है टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आपको यहाँ पे पता लगा होगा कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे हमको कितना टाइम देना है, और किस और कैसी हमारी अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की, पार्ट होगा इसके बाद आएगा, उसमें भी 16 के आसपास क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए, यहाँ पे जो मैंने जिस हिसाब से बताया जिस मेथड से, उस मेथड को देखिए कि कहाँ कहाँ क्या क्वेश्चन को बिना पेन क्लिक किया जा सकता है, कि क्वेश्चन में कितना अगर मान ले टाइम लग रहा तो कितना मिनट लगेगा, क्या 10 सेकेंड 20 सेकेंड 30 सेकेंड से अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं,
ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लग जाएंगी कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। और एक बात और है, जो लोग अभी बीएचयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्वांट सेक्शन की, उनको मैं भी बता देना चाहता हूँ, हम लोग 12 दिन के एक ला रहे हैं, सीरीज ला रहे हैं, जिसके अंदर 12 दिन में हम पूरी अर्थमेटिक करीब तकरीबन आप मान के चले गए 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एकदम स्मार्ट वे में डिस्कस करेंगे, बेहतरीन सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। 30 सेकंड 40 सेकंड के क्वेश्चन आपको आप सॉल्व कर ले जाएंगे, क्वेश्चन को ऐसे मेथड आपको बताए जाएंगे, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिए।